और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी को, जिसे कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रयास करें तो हमारी प्रेयर्स हमेशा काम करेंगे, पर अक्सर हम सभी की प्रेयर्स काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम पूरे दिल और दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं और प्रेयर्स को पूरा करने की जो सही टेक्निक है उसे भी हम फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमारी प्रेयर्स काम नहीं करती। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देते हैं दोस्तों। आपकी प्रेयर्स आपकी मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट्स को रिस्पोंड करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रेयर है दोस्तों। अगर आप सब कॉन्शियस माइंड की पावर को जान ले तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी की भी लाइफ में हो सकता है दोस्तों। अगर हम ये समझ लें कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर है जितनी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आए हैं कि क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई इंसान अनसक्सेसफुल होता है? क्यों कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर होता है जबकि बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं? क्यों कोई इंसान हेल्दी होता है और क्यों कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग बुक से समरी हर संडे लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो समरी को, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। और इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं दोस्तों और वन बाय वन हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे पहले चैप्टर से, जो है द ट्रेजर हाउस इन योर माइंड। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है दोस्तों, पर उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखों खोल करके देखना होगा। कई लोग अपनी असीम शक्तियों के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे अपने अंदर खोजने की कोशिश नहीं की होती दोस्तों। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी आयरन रोड को मैग्नेटाइज करें तो वह अपनी वेट का 10 से 12 गुना वजन उठा सकते हैं दोस्तों, जबकि जब हम उसमें से मैग्नेटाइज पावर छीन लेते हैं तो वह इतना वेट नहीं उठा पाती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में होता है। मैग्नेटिक लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वे मानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं दोस्तों। वहीं दूसरे जो लोग नॉन मैग्नेटिक होते हैं, वे हमेशा खुद पर डाउट करते हैं। जब भी उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वे बोलते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और वे इन सभी बातों के बारे में सोच करके कुछ भी नया कदम नहीं उठाते और ऐसे लोग हमेशा नाकामयाबी की तरफ बढ़ते रहते हैं दोस्तों। अब अगर आप भी खुद को मैग्नेटिक पर्सन बनाना चाहते हैं तो आपको इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को जान करके उसे अप्लाई करना होगा दोस्तों। और वो शक्तिशाली रहस्य है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर हम उसके अंदर अपने दिलो दिमाग में ये बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर इंसान बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस दिमाग का एक हिस्सा है दोस्तों, जो हमारी ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और पलक के झपकाना जैसे इंपोर्टेंट टास्क को कंप्लीट करता है जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गोल्स को डिसाइड करना होगा। वे गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना या फिर सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना दोस्तों। इसके लिए आपको अपने मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की सही टेक्निक को सीखना होगा, जिसके बाद आपको इसे पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इसे पूरा करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो काम करवाएगा जो आप
को आपके गोल्स को पाने के लिए करने चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपने मन की आवाज को सुनना चाहिए। मन की आवाज से उनका मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुनना और उसे अपना दोस्त बना लेना और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे खुश इंसान, सबसे हेल्दी पर्सन, जो भी आप चाहें वो बन जाना। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती दोस्तों कि क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और बाकी सब नहीं? अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हम आपको प्रोमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो भी गोल्स आप किसी पेपर पर लिखोगे वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके कोई भी एग्जाम टॉप कर सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा देता है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं दोस्तों, कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है जो कि अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है, आपका इस पर फुली कंट्रोल होता है दोस्तों, जबकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सभी अनैच्छिक क्रिया यानी कि जो एक्शंस आप बिना सोचे समझे लेते हैं, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना, पलके झपकना आदि को कंट्रोल करते हैं। कॉन्शियस माइंड के पास हमारे माइंड की केवल 10% पावर होती है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे माइंड की 90% पावर होती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में, कैरियर में खुश होते हैं वो अपने ब्रेन को 100% पावर यानी कि वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों के पावर का यूज करते हैं, जबकि जो लोग अपनी लाइफ के अंदर अनसक्सेसफुल होते हैं वो केवल अपने कॉन्शियस माइंड की शक्तियों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से हमें चलने के लिए दोनों पाव की जरूरत होती है दोस्तों, उसी प्रकार से हमें अपनी लाइफ में मनचाहा परिणाम पाने के लिए हमें अपने माइंड के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की पावर का यूज करना होगा। आपका ब्रेन विश्वास के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। विश्वास करें कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो आप एक दिन जरूर पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस बुक के दूसरे चैप्टर के बारे में, जो है हाउ योर माइंड वर्क, यानी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी 5 senses यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और जीभ, इन सभी से इंफॉर्मेशन ले करके और उन चीजों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीव्स, एक्शंस और अनुभवों के आधार पर काम करता है दोस्तों। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस को हैज ए डाटा बेस यूज करता है दोस्तों, जैसे कि कंपनियां करती हैं। आगे हम बात करते हैं द पावर ऑफ सजेशन के बारे में। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर उसे सजेशन यानी कि सुझाव दिया जाए तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी सीप है दोस्तों, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो उसे ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। एक बार की बात है दोस्तों, एक औरत बहुत ही अच्छी ओपेरा सिंगर थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑडिशन के लिए जाना था, लेकिन वो औरत स्टेज पर जाने से घबराती थी क्योंकि वह कई बार ऑडिशन देने से पहले फेल हो चुकी थी। तो उसने खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन कहा दैट आई एम द बेस्ट ओपेरा सिंगर इन द वर्ल्ड और मैं अपना ऑडिशन दे रही हूँ, सभी जजेस मुझे देख करके तालियां बजा रहे हैं दोस्तों। और वो ऐसा बार बार अपने मन में दोहराती रही और फाइनली उसने ऑडिशन दिया और वह फर्स्ट प्राइज जीती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी भी सवाल नहीं करते हैं और उसके पास आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब भी होते हैं दोस्तों। आप जो भी डेली सोचते हैं दोस्तों, उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता रहता है और आपका माइंड उसका यूज एज ए डाटा बेस करता है। इसलिए आप कोई भी नई आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने अक्सर सक्सेसफुल लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आपको सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचना चाहिए कि वो आपको मिल चुके हैं और आपके गोल्स मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। जब आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं
तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे दोस्तों, और आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उनको पाने के लिए आपको रास्ता दिखाता रहेगा। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि कोई भी चीज दो बार बनती है, पहले आपके माइंड में और दूसरा रियलिटी में। तो आपको जैसी भी लाइफ चाहिए उसकी कल्पना को अपने माइंड के डाटा बेस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों, और फिर आप धीरे धीरे उसे पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर के बारे में, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन की शक्तियां। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है दोस्तों। हम सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम करते हैं और रात को आने के बाद सो जाते हैं, लेकिन क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन काम करता है। यह हमेशा काम करता रहता है दोस्तों। हमारा दिल धड़क करके हमें जिंदा रखता है। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हम सब ने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में तो सुना ही होगा, वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें सफल समृद्ध और विद्वान व्यक्ति बना सकते हैं दोस्तों। आगे हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सभी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकता है दोस्तों। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट फाइल हो गए थे, फिर भी यह मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक बार एक व्यक्ति था जो कि प्लेन क्रैश के दौरान पूरी तरह से घायल हो गया था। उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थी। डॉक्टर्स का मानना था कि वो जीवित नहीं बच पाएगा। सभी डॉक्टर्स ने उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि वो न्यू ईयर तक कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा और अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा। उस आदमी ने किसी की भी बात नहीं मानी, बल्कि वो दिन रात बस एक ही थॉट के बारे में सोचता रहा कि वो न्यू ईयर तक ठीक हो जाएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेगा। वो 8 महीनों तक लगातार यही थॉट अपने माइंड में सोचता रहा और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया और वो न्यू ईयर तक पूरी तरह से ठीक हो गया दोस्तों। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी लगभग 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। यह है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना मनचाहा मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपने ब्रेन को सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं दोस्तों। आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर हम वो जान ले तो हम कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने माइंड को भी हैक कर सकते हैं दोस्तों और अपनी लाइफ में अपना मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद प्रोग्राम करना होगा। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपके माइंड के साथ एडजेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिससे आपका मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। जब भी आप सोने से के लिए जाते हैं तो उससे पहले के 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगभग 95 से 96 यानी कि 95% एक्टिवेट होता है और दिन के समय यह केवल 75% यानी कि 75% एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन बस लास्ट के 5 से 6 मिनट के अंदर ही प्रोग्राम करना पड़ता है दोस्तों, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मैसेज या फिर गोल्स को एक प्लेन पेपर पर लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद उसे बार बार देखें और आंखें बंद करके उसके बारे में सोचें और कल्पनाओं में इमेजिन कीजिए कि आप उन गोल्स को पूरा कर रहे हैं। या फिर आप उसकी एक ऑडियो भी बना सकते हैं। उसकी ऑडियो को आप अपने फोन में रिकॉर्ड करके उसे बार बार सुने। और ये सब करने से पहले आप 12 से 15 बार डीप ब्रेथ लें। और अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए दोस्तों, जिससे आपका माइंड शांत हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे और आपको नींद आने भी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तभी आपको अपनी रिकॉर्ड की गई ऑडियो को सुनना है और अपने गोल्स को पूरा करते हुए इमेजिन
करना है आपको, और इसे आप तब तक दोहराइए जब तक कि आप सो नहीं जाते। अगली सुबह आप देखेंगे दोस्तों कि आपने जो मैसेज कल रात को अपने माइंड को दिया था वो आपके माइंड में दिन भर घूम रहा है और आपके सामने उसको पूरा करने के कई सारे रास्ते आए हैं जिन पर चल करके आप गोल्स को अचीव कर सकेंगे दोस्तों। अब बहुत से लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि क्या विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पर आधारित है, ना कि लॉजिक पर। यह रियलिटी और कल्पनाओं में डिफरेंस करना नहीं जानता। ये काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है जो चीजों को लॉजिक और प्रूफ के आधार पर एक्सेप्ट करता है दोस्तों। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करता, यह हमारी थॉट पर बिलीव करता है दोस्तों, जिसकी वजह से हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए सबकॉन्शियसली एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लैंक पेज की तरह होता है दोस्तों, जहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और जो आप लिखेंगे वो आप अपनी लाइफ में पूरा करता हुआ देखेंगे। दोस्तों वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अभी इस बुक के बहुत से राज खुलने बाकी हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो इसलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम, यानी कि अवचेतन मन की हेल्प से प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे किए जाते थे, प्राचीन काल के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। इसके लिए वो थ्री स्टेप फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों, और वो थ्री स्टेप फॉर्मूला है आस्क बिलीव एंड रिसीव, यानी कि मांगो जो आप मांगना चाहते हो और विश्वास करो कि वो आपको मिल चुका है और आप उसे पा चुके हैं दोस्तों, और आने वाले समय में वो चीज आपके पास रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहना कितना सिंपल है कि मांगो जो तुम्हें चाहिए और विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। हमने आपको प्लेन क्रैश में हुए घायल व्यक्ति के बारे में बताया था दोस्तों कि वो किस तरह से मौत के मुंह में से बाहर आया था, ठीक उसी प्रकार इस थ्री स्टेप फॉर्मूले में आपको अपने विजुअलाइजेशन पावर का उपयोग करना है। आपको एक थॉट पर फोकस कर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा दोस्तों, और अपने थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का तरीका आपने पिछले स्टेप में सीख लिया है। इस तरह से एंशिएंट टाइम में लोग थ्री स्टेप फॉर्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के फिफ्थ चैप्टर के बारे में, जो है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग में मानसिक उपचार सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं। वह कौन सी चीज है दोस्तों जो उपचार करती है? यह उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में निवास करती है और सभी रोगियों के बदले हुए मानसिक नजरिए से एक्टिव हो सकती है दोस्तों। आज तक किसी भी डॉक्टर ने या फिर साइकेट्रिस्ट ने किसी भी मरीज को ठीक नहीं किया है। डॉक्टर सिर्फ मरीज के मानसिक अवरोध हटा करके प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो जाए और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। एक बार की बात है दोस्तों, एक औरत ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रेयर की कि मैं जहां भी हूं मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसी उस औरत की बॉडी थी दोस्तों, वो उसके विचारों का रिफ्लेक्शन थी। फिर उस औरत ने खुद को बोला, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बदल दूं तो मेरी बॉडी भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने एक थॉट पर फोकस किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कुछ ही टाइम में वो औरत पूरी तरह से ठीक हो गई, और ऐसे ठीक हुई दोस्तों मानो कि वो पहले कभी बीमार नहीं थी। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं सिक्स चैप्टर के बारे में, जो है प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। जब भी कोई इंजीनियर कोई एरोप्लेन या फिर अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक या फिर अजमाई हुई योग्यता व तरीकों से समस्या को हल करता है दोस्तों, और ये सब तरीके सीखने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीक और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीकों से मिलता है दोस्तों, कुछ भी संयोग से नहीं होता। आपकी प्रेयर्स को पूरा करने की कई अलग अलग टेक्निक हैं, जिनमें से पैसिव ओवर टेक्निक एक है। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करवा ले जो कि लॉजिकली पॉसिबल हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपकी रिक्वेस्ट को सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देगा, और आप अपने कॉन्शियस माइंड में जितनी बार वो रिपीट करेंगे उतनी जल्दी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी।
जैसे कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। जो भी आप चाहते हैं उसे बार बार अपने मन में रिपीट कीजिए दोस्तों। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड का ढक्कन खोल देगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली चली जाएगी और आप उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप जो भी चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों विजुअलाइजेशन के बेस्ट टेक्निक के बारे में। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत करने के लिए एकांत में बैठना होगा और आपको 10 से 12 बार डीप ब्रेथ करके अपने फोकस पावर को अपने गोल्स पर लेकर के जाना होगा। आपको अपने गोल्स को वैसे ही देखना होगा जैसे कि वो रियलिटी में पूरा होने पर दिखते हैं। आपको उस पल के बारे में सोचना होगा जब आप अपना मन चाह परिणाम पा लेंगे। इसको समझाने के लिए हम आपसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करते हैं जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आप सभी ने निकोला टेस्ला के बारे में तो सुना ही होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी इन्वेंशन करने से पहले उसके बारे में कम्प्लीटली विजुअलाइजेशन करते थे। वो एक एक डिटेल को 3D रोटेट करने के बाद अपने माइंड में देखते थे और वो फिर उन सभी डिटेल्स को पेपर पर उतार देते थे और इसी विजुअलाइजेशन की टेक्निक का यूज करके उन्होंने सैकड़ों इन्वेंशन किए दोस्तों। और उसी तरह से आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। आगे हम बात करते हैं मेंटल मूवी मेथड के बारे में। एक कहावत है दोस्तों कि एक पिक्चर यानी कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और आपका माइंड पिक्चर्स में सोचता है दोस्तों। आप जिस तरह से एक्ट करेंगे आप उसी तरह के बन जाएंगे दोस्तों। मेंटल मूवी मेथड का यूज करने सबसे ज्यादा सेल्स की दुनिया में होता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है दोस्तों। इसके लिए हमें अपने मन में खुद को सेटिस्फाई करना होगा और ये सोचना होगा कि आपने जो प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस रखा है वही आपके कंज्यूमर के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आप अपनी सारी एनर्जी को अपनी सेल्स करने में लगाएंगे। आप खुद को सेल्स करता हुआ इमेजिन कीजिए दोस्तों। आप खुद को कस्टमर को सेटिस्फाई करता हुआ देखें। आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और आप अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट सेल्समैन बन चुके हैं। इसके लिए आप इस यूनिवर्स को थैंक्स करके ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, क्योंकि जो इस यूनिवर्स को जो भी उसके पास है उसके लिए थैंक्स कहता है तो यूनिवर्स उसे उसको और भी ज्यादा प्रोवाइड करवाता है दोस्तों। और जो ऐसा नहीं करते उनसे सभी चीजें छीन ली जाती हैं। इसीलिए अपने अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। अब आप थैंक्स कहें और इसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और रात भर आपने जो विजुअलाइज किया है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिवाइज होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 7th चैप्टर के बारे में जो है द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। हम जो लाइफ जीते हैं वो बस 10% होती है दोस्तों। बाकी की 90% लाइफ के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता। हमने अक्सर ये बात नोटिस की है कि हम अपने आप से कई बार मन ही मन बात करते रहते हैं जिसके कारण हम केवल अपने इनर वर्ल्ड पर ही फोकस कर पाते हैं। तो क्या हम कभी आउटर वर्ल्ड की लाइफ जी ही नहीं पाए दोस्तों? शायद इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने दिमाग में फंस कर रह जाते हैं और फिर हम खुद से कहते हैं कि हमारी लाइफ ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका फोकस इनर वर्ल्ड पर होगा तो आप इनर फीलिंग्स को महसूस करते हैं और जब आपका फोकस आउटर वर्ल्ड पर होता है तो आप आउटर वर्ल्ड की ब्यूटी को देख पाएंगे दोस्तों। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति को टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस था और उसने अपनी इस बीमारी को बस केवल इस अफर्मेशन के जरिए ठीक कर दिया था। वो अफर्मेशन थी कि मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, पावरफुल हूँ और खुश और कंप्लीट हूँ। और इस आदमी के लिए यह अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल साबित हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं 8th चैप्टर के बारे में जो है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप जो भी चाहते हैं वो रिजल्ट कैसे पाएं, हमें जो लाइफ में चाहिए वो कैसे पाएं। इमेजिन कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं दोस्तों और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन चेंज करने के लिए कह रहे हैं। आपकी बातों से टैक्सी ड्राइवर कंफ्यूज हो जाता है जिसके कारण वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है।
डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपको लाइफ के अंदर जो भी चाहिए उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको अपने गोल्स को पूरा करते हुए इमेजिन करना पड़ेगा और आपको ऐसा रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से ही आप कंटिन्यूसली एक्शन लेंगे। और हैज पर बाइबल, जो लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं अगर वो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करें तो वो कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 9th चैप्टर के बारे में, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ, यानी कि दौलत पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कैसे करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप जब भी ये अफर्मेशन बोलते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर जाता है दोस्तों, और आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, और ये अफर्मेशन आपके माइंड में न्यू आइडियाज बनाती है दोस्तों। इसी से आपको न्यू बिजनेस आइडियाज और बिजनेस प्लान आते हैं दोस्तों, जो आपको अमीर बनने में है आपकी हेल्प करेंगे। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम खुद से कहते हैं कि मैं सबसे अमीर इंसान हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद से ये कहें कि मैं हर रोज अपने काम को अच्छे तरीके से करता हूं और दिन पर दिन मेरा काम और अच्छा होता जा रहा है, इसलिए मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। अगर आप इस अफर्मेशन का यूज करेंगे तो आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा, और आप जितना फोकस वेल्थ सक्सेस और पॉजिटिव चीजों पर रखोगे उतनी ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी। आप इस धरती पर इसलिए पैदा हुए हैं दोस्तों ताकि आप खुश रह सके और सभी खुशियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले सके। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि बेटा पैसों के लिए मर्डर हो जाता है और पैसे सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पैसों से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी, वो आप पर डिपेंड करता है कि पैसों का उपयोग आप अच्छे कामों के लिए करते हैं या फिर बुरे कामों के लिए। आप पैसों को बुरा मत समझिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कभी चाकू का इस्तेमाल किया है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सवाल है। कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं या फलों और सब्जियों काटने के लिए करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल लोगों का गला काटने के लिए भी करते हैं दोस्तों। इसमें चाकू का कोई दोष नहीं है, वो तो न्यूट्रल है दोस्तों। उसी प्रकार से हम पैसों के उपयोग करने के ढंग से पैसों को अच्छा या बुरा बताते हैं। इसलिए पैसा ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, ये निर्भर करता है कि आप उस पैसे का उपयोग किस तरह से करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि क्यों कुछ लोगों की इनकम में ग्रोथ नहीं हो पाती, उसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों। क्योंकि लोग खुद को एक एम्प्लॉय समझते हैं और वो नई और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए उनकी इनकम फिक्स होती है दोस्तों, इसीलिए उनको एक्चुअल वेल्थ कभी भी नहीं मिल पाती। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के 11th चैप्टर के बारे में, जो है योर सबकॉन्शियस माइंड हैज ए पार्टनर इन योर सक्सेस, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अद्भुत शक्तियों का उपयोग अपनी सफलता में कैसे कर सकते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेस होना हमें अपने सुखी शांत और प्यार से भरी लाइफ को जीने में हेल्प करता है दोस्तों। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और उन चीजों का शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। हमारे पास हमारा खुद का फिट और फाइन शरीर है, हर सुबह उठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो शाम को सोते तो हैं मगर वापस कभी नहीं उठ पाते। सोचो कि आप कितने लकी हैं जो आप अभी तक जीवित हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ के हर एक पल को पूरी जिंदा दिली से जीना चाहिए, और आप ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बना करके कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर जोसेफ मर्फी बताते हैं 3 स्टेप्स के बारे में जिनसे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको वो काम करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको करना आपको पसंद है और आपको करते रहने से कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। और दूसरे स्टेप में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि मास्टर इन वन फील्ड, यानी कि किसी भी एक फील्ड में मास्टरी आपको हासिल करनी चाहिए जिससे कि आप लोगों की हेल्प कर पाए। आप जितने ज्यादा लोगों
लोगों को सर्व करेंगे आपकी सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और तीसरे स्टेप में बताते हैं आप केवल अपनी सक्सेस के बारे में न सोचे, आपको अपने साथ साथ औरों के को भी सक्सेसफुल बनाना होगा। आप कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, आपकी सक्सेस लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली होनी चाहिए, ये समाज और सोसाइटी के प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली होनी चाहिए दोस्तों। ऑथर एक स्टोरी बताते हैं, एक 12-18 साल का एक नौजवान मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि जो भी वो काम करता है वो उसमें फेल हो जाता है। वो खुद को स्टूपिड मानता था और वो अपना स्कूल भी छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। ऑथर कहते हैं कि उससे मिलने के बाद उसने उस बच्चे में एक खास बात देखी कि उसका एटीट्यूड खुद को लेकर के नेगेटिव है। वो खुद को सबसे कम समझता है और इसीलिए उसको लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार है। ऑथर ने उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके पढ़ाई में अच्छा बनना सिखाया। ऑथर ने उसको एक अफर्मेशन बताई जिसे कि उसको रात को सोने से पहले उस उठने के बाद खुद को बोलना था और उसे बार बार उसे मन में दोहराना था। और वो अफर्मेशन थी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अनोखी शक्तियों से भरा हुआ है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी मेमोरी का स्टोर हाउस है। मैं जो भी पढ़ता हूँ या फिर सुनता हूँ मुझे सब याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है, अगर मैं चाहूँ तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे टीचर बहुत प्यार करते हैं और मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ। उसने ये अफर्मेशन बार बार दोहराई और कुछ टाइम बाद उस बच्चे का मैसेज ऑथर के पास आया जिसमें लिखा था, थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ मर्फी, अभी मैं क्लास में टॉप करता हूँ, सभी मुझे पसंद करते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो है हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि साइंटिस्ट सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कैसे करते हैं। हम सभी ने केमिस्ट्री में बेंजीन के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको बेंजीन के केमिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बारे में पता है। एक केमिस्ट थे फ्रेडरिच जो कि बहुत टाइम से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे पर वो इसके स्ट्रक्चर को समझ नहीं पा रहे थे दोस्तों। लेकिन उन्हें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था तो उन्होंने अपना मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू कर दिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। फिर एक दिन जब वो बस में सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखाई दिया जो खुद की पूंछ को खा रहा था, तो उन्हें समझ आया कि हम अगर केमिकल बॉन्ड में भी एक ऐसा साइक्लिक रिंग बना दे तो बेंजीन स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन रिंग की डिस्कवरी हुई। अब आप समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। ये आपको हेल्थ, वेल्थ, नाम, शोहरत, जो भी आप चाहते हैं वो आपको दिला सकता है दोस्तों। बस आपको इसे यूज करने की सही टेक्निक पता होनी चाहिए जो आप इस वीडियो को अभी तक देख करके सीख रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे राज अभी भी खुलने बाकी हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर ऑफ योर स्लीप। हम सभी एक दिन के अंदर लगभग 6-8 घंटे की नींद लेते हैं और आइडली 8 घंटे की नींद हमारे लिए परफेक्ट मानी जाती है जो हमारी लाइफ को 1/3 होती है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके टारगेटेड ऑर्गन सभी रात भर काम करते रहते हैं। रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें कोई अड़चन नहीं पैदा करता। सुबह से रात तक हमारा कॉन्शियस माइंड कामों में लगा रहता है और हमारे माइंड में दिन भर में लगभग 60,000 थॉट आते हैं और यही थॉट्स बहुत सारे इमोशंस को पैदा करते हैं दोस्तों। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए दोस्तों कि हमारी हर रोज की हैबिचुअल थिंकिंग हमारा फ्यूचर बनाती है, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करनी चाहिए दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ बन जाती है दोस्तों, तो हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है यूर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपनी लाइफ में परफेक्ट लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने गलत इंसान से शादी कर ली दोस्तों, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी प्रॉब्लम्स को समझे और आप दोनों मिल करके सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करें? आजकल के मॉडर्न टाइम के अंदर ब्रेकअप और तलाक जैसी बातें बहुत ज्यादा आम हो गई हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप अपनी ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आपको ये क्लियरिटी मिलेगी, अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस, यानी कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके अपनी खुशी को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से बहुत खुश रह सकते हैं। दोस्तों हमने शुरू में इनर वर्ल्ड के बारे में और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था। यह हमारे माइंड के अंदर की और बाहर की दुनिया होती है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में खुशियां भर सकता है। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स पर होता है, तब आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है आप वैसे ही फील करने लग जाते हैं। दोस्तों और अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर या फिर फेस को खूबसूरत नहीं मानते तो आप दुखी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ उन चीजों पर है जो कि आपके अंदर बुरी है। इसलिए अपना फोकस उन चीजों पर कर ले जो आपके अंदर अच्छे हैं, तो आप हमेशा अच्छा फील करेंगे और आप इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अपनी लाइफ के अंदर खुशी और हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, तो आप अपने जैसे लोगों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जब आप उन लोगों से मिलेंगे जो वास्तव में खुश हैं, तो आपकी खुशी हमेशा बनी रहेगी। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खुशी चाहते हैं, तो आप उसके बारे में आपको अपने माइंड के अंदर सोचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने रिलेशंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं। दोस्तों आप सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपसे प्यार करें, तो आपको भी उनके बारे में ऐसा ही सोचना शुरू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको भी लोगों की इज्जत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि लोग आपकी केयर करें, आपकी बातों को समझें, तो पहले आपको भी उनकी बातों को समझना शुरू करना होगा। खुद को हमेशा नेगेटिव लोगों और न्यूज से हमेशा दूर रखें। आपका माइंड कोई डस्टबिन नहीं है दोस्तों कि इसमें कुछ भी डाला जाए। हमेशा ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको अच्छा बनाए, खुद से प्यार करना सिखाए, तभी आप दूसरों से प्यार कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग लोगों को माफ करने के लिए कैसे कर सकते हैं। हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा दोस्तों। अगर हम अपनी लाइफ में सुख शांति से जीना चाहते हैं, तो हमें अपने हेटर्स को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आपके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में बदल जाते हैं दोस्तों, और आप शांत महसूस करते हैं। किसी भी बीमार इंसान के लिए माफ करना दवाई की तरह काम करता है दोस्तों। अब आप ये सोचेंगे कि आपको किसे माफ करना है। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि आपको खुद को माफ करना है। हम अपने ही मन में खुद की नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज के कारण खुद को बुरा महसूस करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद को माफ करना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है मन में हमेशा युवा कैसे रहें। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता, इस पर आपकी एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना और प्रेम ऐसे गुण हैं जो आपको कभी भी बूढ़ा होने नहीं देंगे। आप अपने इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने दें, तो आप हमेशा युवा बने रहेंगे दोस्तों। बुढ़ापा बस आपकी सोच है। ऑथर एक व्यक्ति के बारे में
बताते हैं जो अपने विचारों में ही बूढ़ा हो गया था। कुछ टाइम पहले ओथर लंदन में अपने दोस्त से मिलने गए थे जो कि 80 वर्ष के थे। कुछ लोगों के लिए यह खुशी मनाने का टाइम होता है दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दोस्त के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे देख करके मुझे गहरा सदमा लगा। वो कमजोर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर्स को भी दिखाने पर उसे कोई बीमारी नहीं थी। दरअसल वह व्यक्ति अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं चाहता, अब उसकी किसी को जरूरत नहीं है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं दोस्तों, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं, बस यही कहानी खत्म हो जाती है। उनकी बीमारी का कारण उनकी जिंदगी नहीं थी, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया था दोस्तों, और वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था दोस्तों। आप उतने ही युवा हैं दोस्तों जितने कि आप खुद को मानते हैं। 84 साल की उम्र में एक सर्जन जो सुबह ऑपरेशन करते हैं, वो दोपहर को मरीजों को देखते हैं और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स के लिए लिखते हैं। उनका नजरिया था कि वह उतने ही उपयोगी हैं जितना कि वह खुद को समझता है और उतना ही युवा है जितना कि वह खुद को मानता है। कुछ से कहे कि मैंने अभी तो अपना जीवन जीना शुरू किया है और मैं अपने हर दिन को भरपूर जीऊंगा। मैं अभी भी जवान हूँ। आपका बाहरी वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड पर डिपेंड करता है दोस्तों, इसलिए आप अपनी सोच को हमेशा जवान रखें तो आप हमेशा खुद का जवान महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर रिमूविंग योर फियर, यानी कि डर भगाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। डर ही लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण है दोस्तों। करोड़ों लोग अतीत, भविष्य और बुढ़ापे तथा मौत के डर से डरते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे उनके एक स्टूडेंट ने स्टेज फियर को सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से भगाया। वो लोगों के सामने जा करके बोलने से घबराता था। उसने अपने डर पर विजय इस तरह से पाई, वह कई दिनों तक शांत बैठ करके खुद से कहता कि मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ, अभी मैं इस डर पर विजय पा लूंगा और इससे बाहर आ जाऊंगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे लोगों के सामने जाकर के बोलने से डर नहीं लगता, सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं। इस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से स्टेज फियर को उसने दूर किया और उसने एक शानदार स्पीच दी और उस कंपटीशन को जीत लिया। लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार ही है दोस्तों, इसका मतलब है कि आप अपने विचारों से ही डरते हैं। किसी भी डर को भगाने का सबसे आसान तरीका होता है उसको फेस करना, और आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, खुद पर विश्वास कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट टाइम है दोस्तों। आपको करना बस ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में जा करके लिखना है कि आप आने वाले 7 दिनों के अंदर किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करने वाले हैं। वो 7 दिनों के बाद वापस आ करके आपको फिर से कमेंट करना है कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज कर पाए, क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझ लिया है, ताकि इन फ्यूचर आपके कमेंट्स लोगों को इंस्पायर कर सके। दोस्तों हम आपके फीडबैक का इंतजार करते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद जय हिंद।